आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को तभी ट्वीट करकर बधाई दी। मैं उनको रामलीला मैदान में जो इन्होंने पिछले 5 सालों से हटकर अच्छी अच्छी बातें की उसके लिए भी उनको बहुत बधाई देता हूं और मुझे उम्मीद है कि जो उन्होंने अपनी प्रेस में रामलीला मैदान में या कैबिनेट में जो बातें कही हैं वो उसको कार्यान्वित करेंगे। अभी मैंने देखा कि इस बार केजरीवाल जी ने बहुत सी बातें कही कि वे सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, किसी के साथ सतेला व्यवहार उन्होंने नहीं किया, जिस किसी को भी काम हो वो उनके पास आ जाए, वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और उनको प्रधानमंत्री का आशीर्वाद भी चाहिए। मैं भी अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूं कि हम दोबारा जो दिल्ली के अंदर उनकी जीत हुई है उसके बाद रचनात्मक पूरा सहयोग देंगे और चाहेंगे कि दिल्ली का विकास चौमुखी विकास दिल्ली का हो। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि मैंने किसी के साथ सौताला व्यवहार नहीं किया, यानी आगे भी वो नहीं करेंगे, तो मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं एमसीडी का, दिल्ली नगर निगम का, तीनों निगमों का जो 10,000 करोड़ रुपया बकाया है वो उसका तुरंत दें, क्योंकि उसके ना देने से दिल्ली के नागरिकों को असुविधाएं हो रही हैं, चाहे वो नाली की है, चाहे वो सड़क की है, चाहे वो दवाई की है और चाहे वो सफाई की है, और जो बकाया राशि है वो तीनों निगमों के साथ बैठकर उसको तय कर लें और उसको तुरंत चुकाएं। तो मैं समझता हूं कि जो उन्होंने कहा है वो दिखाई देगा कि उन्होंने असल में भी उसको किया है। दूसरा मेरा है, उन्होंने कहा कि वे सभी पार्टियों को साथ लेकर काम करना चाहते हैं। पिछले 5 साल में वो दिल्ली के 7 सांसदों को कभी भी इकट्ठा बैठा के विकास की बात नहीं कर पाए, उनका सहयोग नहीं लिया, उनके साथ भागीदारी नहीं की। अब मैं चाहता हूं हर 15 दिन के अंदर वो दिल्ली के 7 निर्वाचित सांसद जिनको 2 करोड़ की जनता ने चुना है, जिनको 2 करोड़ की जनता ने उनको भी प्यार दिया है, उनके साथ बैठकर उनको भी विकास का भागीदार बनाएं और 15 दिनों में ये मीटिंग करें। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार की मदद लेकर वो दिल्ली के विकास को करेंगे। तो मैं चाहता हूं वो तुरंत घोषणा करें कि आयुष्मान भारत योजना, जिससे दिल्ली के आम गरीब आदमी को 5 लाख तक का इलाज फ्री मिल सकेगा, इस आयुष्मान भारत योजना को वो तुरंत लागू करने की घोषणा करें। वो केंद्र सरकार के साथ सहयोग करना चाहते हैं, मैं समझता हूं, इसलिए उसको कोई आपत्ति नहीं होगी। तीसरा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके अंदर भी वे अविलंब सहयोग करें, इससे लाखों लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको सिर पर एक पक्की छत मिलेगी, 2 कमरे का फ्लैट मिलेगा, उसमें भी मैं उनसे सहयोग की उम्मीद करता हूं। और गंदा पानी दिल्ली के अंदर, आधी से ज्यादा दिल्ली गंदा पानी पी रही है, इसलिए प्रदूषण और गंदे पानी पर पहले की तरह राजनीति ना होकर केंद्र और एमसीडी से सहयोग लेकर इस समस्या को हल करना चाहिए, जिसके अंदर हम उनका पूरा सहयोग देंगे।